एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली साड़ी के लिए खूबसूरत से हेयर स्टाइल, कितने हेयर स्टाइल हैं आपको वीडियो देखने में पता चलेगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साड़ी के लिए हेयर स्टाइल। तो ये बन हेयर स्टाइल नहीं है, आप लोग को हमेशा शिकायत रहती है कि मैं बन हेयर स्टाइल ज़्यादा शेयर करती हूँ, तो अब मैं डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल भी लेकर आ रही हूँ आप लोग के लिए। मेकअप ट्यूटोरियल्स, स्किन केयर रूटीन्स एंड हेयर ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियोज देखने के लिए मेरे सेकंड चैनल पर जाइए, प्रीति वाई टू सेकंड चैनल का नेम है। इंस्टा आई डी प्रीति वाई टू है, जिसपे मैं प्रीति वाई 24 है, जिसपे मैं अपनी रील्स वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेयर स्टाइल। सेंटर पार्टीशन से करेंगे और इस तरीके से हेयर को लेंगे। ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगता है और सबसे अच्छी बात की बहुत ईजी है। इस तरीके से लेंगे एंड ट्विस्ट करेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग ट्विस्टिंग कर लेंगे एंड सेंटर में लेके जाएंगे और क्लिप से सिक्योर कर देंगे कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा, ओके। अब सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी करेंगे। ट्विस्टिंग करके जो हमने क्लिप्स लगाई थी सेम वहाँ पे लेके आएंगे और एक क्लिप और ऐड करेंगे इसमें। दैट्स इट, ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया, जो भी काफ़ी इजी है और साड़ी पे बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसके साथ बड़ी बड़े झुमके वालियाँ जो भी पहनना चाहो वो पहन सकते हो और बैक से कुछ इस तरीके का लुक रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया साड़ी के लिए, है ना, इजी एंड ब्यूटीफुल सा। आप चाहो तो इसके साथ लेयर भी निकाल सकते हो और भी अच्छा लुक दिखाने के लिए अपने बालों का। और सेकंड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसी हेयर स्टाइल को डेकोरेट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से हेयर को लूँगी मैं और इसको थ्री पार्ट में डिवाइड करके सिंपल सी चोटी बना लेंगे हम लोगों। छोटी बनाते टाइम थोड़ा थोड़ा सा हेयर को खींचते जाएंगे। पूरा एंड तक छोटी को बनाएंगे। एंड तक गुथने के बाद सिंपली इसको राउंड राउंड इस तरीके से लपेटेंगे और जो हमने क्लिप्स लगाई थी सिंपल वहाँ पे लेके आएंगे एंड इसको यू पिन की मदद से, बॉबी क्लिप की मदद से, जैसे आपको इजी हो वैसे सिक्योर कर दोगे। आप यू पिन भी लगाओगे तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, क्योंकि हमने नीचे में क्लिप्स लगाई हुई है जिसकी वजह से ये टाइटली लग जाएगा पूरा। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आएगा सेकेंड हेयर स्टाइल का और काफ़ी अच्छा भी लगता है, स्टाइलिश भी लगता है। इसको आप पार्टी वगैरह में कर सकते हो, छोटे बाल हैं तो भी काफ़ी अच्छे लगेंगे, छोटे बालों के लिए भी बेस्ट रहेगा। छोटे बालों में साड़ी पे आप अगर हेयर स्टाइल बनाना चाहते हो तो ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। देन ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल के लिए पहले इस वाले हेयर स्टाइल को खोल लेते हैं, यू पिन को निकालेंगे, सिंपली छोटी को ओपन कर देंगे और क्लिप्स को खोल देंगे। ओपन करना भी बहुत इजी है। तो थर्ड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, बालों को ईयर टू ईयर पार्टीशन कर देना है इस तरीके से। ये टू ईयर पार्टीशन करने के वास्ते सारे बालों को एक पोनी टेल बना लेंगे, हाई पोनी टेल। ये वाला हेयर स्टाइल भी काफी इजी है एंड स्टाइलिश है और साड़ी पे बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है ये हेयर स्टाइल। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है। देन
पोनी बना लेंगे एक अच्छा सा भारी पोनी टेल। लॉन्ग हेयर है तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। इस तरीके से मैंने बना लिया है। देन हम लोग लेंगे इस तरीके का पफ। आपको कितना बड़ा पफ बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको पफ के ऊपर से बालों को लेके जाएंगे। अच्छे से कॉम कर लेंगे ताकि कहीं से भी हमारा हेयर स्टाइल है वो नीट एंड क्लीन दिखे एंड ख़राब ना लगे। तो इस तरीके से लेके गए ऊपर की तरफ से और ट्विस्ट कर देंगे बालों में। ट्विस्ट करने के बाद से इसको क्लिप से सिक्योर कर लेंगे अच्छे से। दो तीन क्लिप लगा लीजिएगा। अब ये जो हेयर है अच्छे से एक दो क्लिप्स और लगा लीजिएगा ताकि हेयर स्टाइल है वो खुल ना जाए। अभी हेयर को इस पोनीटेल के हेयर के साथ मिक्स कर देंगे और पोनीटेल के थोड़ा सा हेयर लेंगे और इसके ऊपर से सिंपली ऐसे घुमाते जाएंगे और बॉबी क्लिप से आई हो यू क्लिप या टिकटे क्लिप जो भी है आपके पास उससे इसको नीचे की तरफ में सिक्योर कर देंगे। और ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो जाएगा जो कि साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा एंड काफ़ी अच्छा दिखता है। सॉरी थर्ड हेयर स्टाइल है। हेयर आपकी चॉइस है निकालनी है या नहीं। तो कैसी लग रही है आपको ये थर्ड हेयर स्टाइल हमारी। तो चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। आई होप की अच्छी लग रही हो गाइस। तो एकदम न्यू एंड स्टाइलिश हेयर स्टाइल है जो कि बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हो। काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लुक बना सकते हो अपनी साड़ी ड्रेस के साथ। तो चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। फोर्थ हेयर स्टाइल में भी जो हमने पोनी बनाई थी उसको वैसे का वैसे छोड़ेंगे। ओके देन ये ट्विस्ट जो पार्टीशन किया था और पफ बनाया था पफ को अगेन बना लेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग पफ का जो आर्टिफिशियल पफ होता है उसको ले रहे हैं। देन इजी अच्छे से इसको हाइड करते हुए पफ बना लेंगे। फर्स्ट थर्ड हेयर स्टाइल में हमने पूरा हेयर को लेके पफ बनाया था बट फोर्थ हेयर स्टाइल में पूरे हेयर को नहीं लेंगे और इस तरीके से ट्विस्ट करके पफ को बना लेंगे। ओके ओके अब आपको सेंटर पार्टीशन रखनी है कि साइड पार्टीशन रखनी है वो आपकी चॉइस है आपके फेस पे जैसा सूट करता हो। मैं यहाँ पे साइड पार्टीशन रख रही हूँ और जो ये बचे हुए हेयर हैं उनको सिंपली ट्विस्ट करेंगे ऊपर की तरफ से ट्विस्ट करेंगे ताकि जो हमारी स्कैल्प है वो ना दिखे। अगर इसमें वॉल्यूम नहीं है तो थोड़ा सा बैक कॉम्बिंग कर लीजिएगा और जिससे कि आपके साइड के हेयर में थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड हो जाए और साइड से लेके जाएंगे और पोनी टेल के चारों तरफ से इसको लपेट देंगे और एक यू क्लिप से सिक्योर कर लेंगे। ओके और अगेन इस साइड के हेयर को इस तरीके से लेंगे सिंपली ट्विस्ट करेंगे इस साइड भी। ट्विस्टिंग करते वक्त ध्यान देना है कि जो आपका स्कैल्प है वो दिखाई ना दे और थोड़ा सा इसको लूज छोड़ेंगे इस तरीके से और पोनी के चारों तरफ से लपेटते हुए लेके आएंगे। और ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल साड़ी के लिए बनके रेडी हो गया है जो कि काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव एंड स्टाइलिश लगता है। तो आपको कौन सा हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर तो बनता ही है कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।
ताकि साड़ी में भी लोग स्टाइलिश लुक बना सकें अपना और अच्छे दिख सकें। तो आई होप कि आपको चारों हेयर स्टाइल पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ऐसी सपोर्ट करते हैं ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।